नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी देवी। यहाँ अकबर ने भी मानी थी हार। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी देवी। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योतावालिका मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठ में होती है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीव गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही नौ ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से नौ अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना गया है। इन नौ ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नौदान ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त है और यात्रा पे जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तहान के लिए हम तुम्हारे घोड़ों की गर्दन अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों से माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने सवा मन 50 किलो सोने का छत्तर चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्तर कबूल नहीं किया और वह छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी वह बादशाह अकबर का छत्तर ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाया था। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और कई चमत्कार दिखाए थे। ज्वालामुखी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है, जो देखने में खोलता हुआ लगता है, पर वास्तव में पानी ठंडा है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ इज़ अ गिफ्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।